मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रधान शिक्षा परीक्षा प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला है, इसमें है, इसमें देखेंगे सम्मिलित क्वेश्चन है, जैसे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक रसायन और जीव विज्ञान सभी से क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं। अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं, तो प्रोटीन में मिलते हैं। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन में मिलते हैं। आगे हैं कि मानव निर्मित तंतु कौन है, तो मानव निर्मित तंतु जो होता है रियॉन होता है। मानव निर्मित तंतु रियॉन होता है। फिर आगे है विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है। विटामिन जो हमारे शरीर में कौन सा काम है जिसमें सहायता नहीं करता है, तो पाचन क्रिया में कोई सहायता नहीं करता। विटामिन को कोई योगदान नहीं है पाचन क्रिया में। फिर अगला है कौन सा जीव अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो चिंपैंजी सबसे अधिक ध्वनि चिंपैंजी उत्पन्न करता है। अगला है ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है किस चीज से। ओजोन परत जो है मनुष्य की रक्षा करती किस चीज से, तो प्रबैग्नी किरणों से मनुष्य की रक्षा करती ओजोन परत। ओजोन परत का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, O3 के से जानते हैं O3 ओजोन। अगला है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो लोहा यानी आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन रहता है। फिर अगला है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। मानव शरीर में जो भोजन पचता है उसमें लाइपेज के काम होता है, तो लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है, तो अमाशय से लाइपेज का स्राव होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है, तो MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है। MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है, तो बिना मिट्टी के पौधे मतलब जलीय पौधों को, जो पौधा जल में उगता है बिना मिट्टी के उगता है उसको हाइड्रोफाइट पौधा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है, तो विटामिन ए जो होता है वह यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। लीवर में संचित रहता है विटामिन ए। फिर अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी या जल गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन में मतलब जो बिजली पर चलने वाला जो आयरन होता है उसमें प्रयुक्त हीटर तत्व मतलब गर्म होने वाला जो तत्व कौन किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का तार लगा रहता है उसमें। हीटर और आयरन में नाइक्रोम का तार लगा रहता है। फिर है उच्च ताप को किसमें मापा जाता है, यानी किससे मापा जा सकता है उच्च ताप को, ज़्यादा उच्च ताप है उसको किससे मापा जा सकता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो कोई किरण है जो वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य उसका बढ़ जाएगा, उसका किरण का तरंग दैर्ध्य जो है बढ़ जाएगा। फिर अगला है गाय का दूध पीला क्यों होता है, तो गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण, और गाजर जो का रंग पीला और लाल होता है वो भी गाजर का रंग भी कैरोटीन के कारण उसका रंग होता है, और गाय का दूध जो हल्का पीला होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। फिर अगला है मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में जाकर संपन्न होता है। शुरू कहाँ होता है, तो मानव शरीर का जो पाचन का कार्य शुरू होता है मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर संपन्न हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हीरा का रासायनिक गुण होता है, हीरा का रासायनिक गुण क्या है,
तो बहुरंगी होता है। यहाँ जो है, हीरा का रंग क्या है, बहुरंगी होता है। अगला है जल की अस्थायी कठोरता होने के कारण क्या है, जल की अस्थायी कठोरता होने के कारण क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के चलते जल में अस्थायी कठोरता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है बादलों के दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहा जाता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप, यहाँ बादल है दिया हुआ है, तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। फिर अगला है बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है, तो इस्पात में। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है, इस्पात में होता है। फिर आगे है स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, स्टोरेज जो बैटरी रहता है उसमें किस तत्व का उपयोग होता है, तो उसमें जस्ता का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है, मतलब मिठाई में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो उसका सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए, सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है मिठाइयों में। फिर अगला क्वेश्चन है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, गन पाउडर जो होता है बारूद जिसको कहते हैं बारूद, बारूद में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो उसमें सल्फर रहता है, चारकोल रहता है और सोडा रहता है। गन पाउडर यानी बारूद में सल्फर, चारकोल और सोडा रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वायुयान जो हवाई जहाज के टायर में किस गैस को भरा जाता है, तो हीलियम गैस को भरा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दर्पण बनाने में किसका उपयोग में लाया जाता है, किसका यहाँ हो जाएगा, किसको चाहे किसे हो जाएगा, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग में लाया जाता है। फिर अगला है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में भरी जाती है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में भरी जाती है। फिर अगला है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण जो है मानसिक तनाव, मानसिक तनाव के कारण उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आर्द्रता किससे संबंधित है, तो आर्द्रता किससे संबंधित है, तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंधित होता है। आर्द्रता किससे संबंधित होता है, तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंधित होता है आर्द्रता। फिर अगला क्वेश्चन है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, तो उसमें ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन। फिर अगला है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में, जैसे यहाँ पालक है, पालक दिया हुआ है हरी सब्जी में, तो पालक में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है, तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में। फिर अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, फिलामेंट है बल्ब का फिलामेंट, इसी को फिलामेंट कहते हैं, जो स्प्रिंग टाइप के होता है वह फिलामेंट है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। फिर अगला है पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। फिर अगला है कपड़ा धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं, तो कपड़ा धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगला है कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है, कौन सी मिट्टी है जो ज़्यादा जल नहीं सोखती है, यहाँ सोखती हो जाएगा, सोखती है, कौन सी मिट्टी जो है जो ज़्यादा जल नहीं सोखती, तो काली मिट्टी जो है ज़्यादा जल यानी ज़्यादा पानी नहीं सोखती है। फिर अगला है कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरी में किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग, किस एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे तेजाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग स्टोर बैटरी में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो पानी का विशिष्ट गुरुत्व एक होता है, एक पानी का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है एक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था, और इसने एक फार्मूला दिया कि E बराबर mc स्क्वायर, जहां c बराबर प्रकाश का वेग होता है। अगला है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापप्रास कितना होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस पर आदमी एकदम आराम से उस तापमान में आराम, सबसे उपयुक्त आराम करने का तापमान होता हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे रक्त हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का संवहन या ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है या संवहन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इस तरह से लगभग 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।